करवट चंदौली जनपद के मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत ग्राम करवट से है, जहां एक व्यक्ति दीपक कुमार सिंह के अपहरण की सूचना उनके घर वालों को दी गई। अपहरण की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर प्राथमिक जांच शुरू कर दी। सर्विलांस टीम चंदौली द्वारा सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से अपहरण हुए दीपक कुमार सिंह को मथुरा से बरामद कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि दीपक कुमार सिंह ने अपने अपहरण की झूठी मनगढ़ंत कहानी रची थी। देखिए हमारे संवाददाता अजीत पाठक की रिपोर्ट। 13/10/2023 को मुगलसराय की ग्राम करवट से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दीपक कुमार सिंह का अपहरण कर लिया गया है और उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी कई दिन से उसका पीछा कर रही थी। परिजनों द्वारा मुगलसराय पर अपहरण का मुकदमा बबलू सिंह और साजन सिंह के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात जनपद चंदौली की स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस आदि के माध्यमों से इसके पता चला कि मथुरा में है और उसे मथुरा से बरामद किया गया। इसकी बरामदगी में मथुरा पुलिस का भी सराहनीय योगदान रहा है। पूछताछ पर इसने बताया कि यह इंडस कंपनी में टेक्नीशियन है और इसके अंडर 24 टावर आते हैं, जिनमें से कुछ की देखभाल यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है, जिनमें से कुछ टावरों की देखभाल बबलू सिंह द्वारा की जाती है। इसी बात को लेकर के टावरों की देखभाल की बात को लेकर के दोनों की मदद हासिल हुई और टेलीफोन वार्ता भी हुई थी। उनको फंसाने की नीयत से इसने अपहरण की कहानी गढ़ी और मुकदमा पंजीकृत कराया। इसने इस कार्य में फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया, फर्जी पहचान पत्र और फर्जी सिम का उपयोग किया, इसलिए इसके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। कैसे शक हुआ पुलिस को कि ये मनगढ़ंत कहानी है? पहुंच गया शुरू से ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि कार जो बरामद हुई थी उसकी बंद थी, शीशा टूटा हुआ नहीं था, इसके पास खुद का रिवाल्वर था और सीसीटीवी फुटेज से देखने से लग रहा था कि इसकी गाड़ी जाकर स्वतः रोकता है और वहां कोई हलचल नहीं होती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया लगता था कि यह स्वयं बनाई हुई है और हम लोगों ने इसी आधार पर कार्य किया और आगे बढ़े, जिसमें सफलता मिली। बबलू सिंह के फंसाने के खास तौर पर क्या कारण थे? छोटा मोटा विवाद है, कुछ और भी कुछ गहन था इसके अंतर्गत? टावर को लेकर दोनों का विवाद है, उसमें कुछ अपना आंतरिक तेल से संबंधित कुछ मामला थे जिसके कारण दोनों में आपस में नहीं पड़ रही थी। लग गया, ये क्या है?